जी कैसे हैं आप? आ, मैं एकदम बढ़िया और पूरी तैयारी करके बैठा हूं आपके सवालों के जवाब देने की मसाला और आज आपको मिलने वाले हैं उन्हीं सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे थे using the hashtag, बोलो देखते हैं कैसे सवाल है क्या जवाब मिलते हैं बड़ा मजा आने वाला तो, you know, है &As fun, तो से आगे बढ़ते हैं चलिए शुरू करते हैं

अगर आप बेड भी यूज करते हो तो फिर वो जो पॉस्चर बनता है वो बड़ा अजीब सा बनता है मतलब अब आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है मतलब आप बेटर जानते हो बट ख्याल से पोर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैप से लैपटॉप बेटर एक टैबलेट रहेगा एडवांटेज क्या है ना फॉर अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो अब यूट्यूब के अंदर आपने ऑफलाइन स्टोर कर लिया लेक्चर्स को बड़ा ईजी है लैपटॉप में एक अलग उसके लिए आपको हेड लगेगा आपको पीडीएफ पढ़ना है कुछ मार्क करना है उसके ऊपर तुरंत तो वो सब चीजें आप एक टैबलेट में बेटर कर पाओगे तो ये सब यूज के हिसाब से मैं बोलूंगा कि टैबलेट इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू अ लैपटॉप साहिल कह रहे हैं इस बार आईफोन 16 असेंबल्ड इन इंडिया है काफी अच्छा लगा ये सुनकर साहिल भाई आईफोन 16 नहीं आईफोन 15 भी जो है वो इंडिया का ही उस पर लेबल लगा हुआ था जैसे ही वो डे वन पे सेल पे गया था और इस बार तो इनफैक्ट जो प्रो फोन्स हैं वो भी इंडिया में बनने वाले हैं तो मतलब ये बहुत एक अच्छी बात है यार मीन इट्स ऑलवेज गुड टू सी सच थिंग्स हैपनिंग संगमेश कह रहे हैं गौरव भैया आपका क्या ओपिनियन है अबाउट न्यूरा लिंक सपोज फ्यूचर में सक्सेसफुल हुआ तो क्या कोई भी ये रिस्क ले सकता है इम्प्लांट कराने के लिए यार देखो फ्यूचर में क्या कैसे आ, आगे लाइफ मूव होगी वो तो हमको देखना पड़ेगा ना कि मतलब देखो अब हर एक इंसान जो है वो अलग अलग तरीके से सोचता है आप अगर थाट प्रोसेस जानोगे फॉर एग्जाम्पल जो लोग एटीज में जीते थे उनका कंपेयर टू जो आज के बच्चे हैं तो थॉट्स आर चेंजिंग बाय एवरी जनरेशन तो आगे चल के देखते हैं क्या पता ये बड़ा नॉर्म बन जाए कि मतलब जैसे होता है ना कि आपने क्या किया कि आप पैदा हुए थोड़े बड़े हुए पढ़ाई करी फिर आपने दस चीजें करी तो सेम तरीके से क्या पता फ्यूचर का भी ऐसा हो जाए बीस साल बाद कि भाई पैदा हुए थोड़ा और बड़े हुए चिपी ब्लैंड करवाई मतलब ऐसे लाइफ का हिस्सा बन जाए आ, बाकी देखते हैं यार अभी हाउ द रिसर्च इज यू नो हैपनिंग क्या उनके टेस्ट के रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं और क्या पता ये एक बड़ा ही कॉमन ट्रेंड बन जाए इट्स नो टाइम विल टेल

बट एक थोड़ा सा चैलेंज है वो ये कि स्टोरेज केवल आपको बेस वाली मिलेगी विचे सिक्सटी फोर जीबी वाई फाई या फाइव जी बी इतना मत जाना बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज या तो आप आईपैड टेन का जो एक हाइयर एंड स्टोरेज वेरियंट है वो देखो अगर आपको चालीस तक मिल रहा है बिकॉज अगर आपका बजट ऑलरेडी आपने बना रखा है चालीस तक बिकॉज आप तो एस नाइन एफ ई की भी बात करें जो कि आपको फोर्टी वन का मिल रहा है तो मतलब बेसिकली क्या है ना अगर आपका मेन काम वीडियो देखने का है तो हो सकता है आपको काफी सारा कॉन्टेंट डाउनलोड करके रख के मजा आया ना कि आपने नेटफ्लिक्स वगैरह से ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया ताकि आप बाद में देख पा रहे हो तो सिक्सटी फोर जी की स्टोरेज थोड़ी सी आपको शायद कम लग सकती है इसलिए बोलूंगा कि हायर एंड स्टोरेज पे जाओ अगर आपको टैब चाहिए तो इन तीनों में से आईपैड बेस्ट एक्सपीरियंस देगा बट एक एडवांटेज है सैमसंग के पास में केवल वो ये कि जो एस्पेक्ट रेशो है ना टैब का वो ज़्यादा नेचुरल है कंटेंट देखने के लिए आईपैड थोड़ा सा अलग एक्सपेक्टेशन लेके आता है वन प्लस आपको पता है कि इट सेवन एस टू फाइव तो थोड़ा सा स्क्वायरिश हो जाता है बट सैमसंग का जो टैब है थोड़ा सा वाइड पड़ेगा तो वो आप चूज़ कर लो बाकी अगर आपको कैजुअली ब्राउज करना है और वीडियोज देखनी है तो तीनों में से कोई भी टैब लो लो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो सिमिलर साह रहेगा वैसे का सवाल है भाई आजकल इतने बिजी कहाँ है लाइफ कैसी चल रही है भाई लाइफ इज ऑलवेज फन थोड़ा थोड़ा काम थोड़ी थोड़ी मस्ती थोड़ा थोड़ा ट्रैवल थोड़ा थोड़ा आपके साथ में बातचीत एवरीथिंग इज अ नाइस ब्लेंड और यार yeah, पूछ रहे हैं हैं गुरुजी आईफोन 15 में एक्सटर्नल एसएसडी लगा लगा सकते हैं। भाई लगा सकते भाई हो बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि वो एक्सटर्नल एसएसडी लगा के आप उसमें वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो तो नहीं वो केवल आप प्रो फोन्स में कर सकते हो अदरवाइज आप एसएसडी लगाओ फाइल्स को ट्रांसफर करना है करो मूव करो सब कुछ पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं है आईफोन फिफ्टीन में आप बड़े आराम से काम कर सकते हो प्रदीप पूछ रहे हैं आज के युग में कंप्यूटर शिक्षा कितनी जरूरी है आपको बताता हूँ तैतीस तो तो क्लास वन से मैंने कंप्यूटर जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया मतलब उस टाइम पे यूज टू डू कोडिंग लोगो और बेसिक लैंग्वेज में जब मैं थर्ड क्लास में था तो मेरे पास में घर में अपना पीसी आ गया था तो वो सब चीजें मतलब लेकिन मैं देखता था उस टाइम पे अगर आसपास तो ज़्यादा लोगों के पास में चीज़ें थी नहीं लेकिन कट्टू आप आज की बात करो तो आज की डेट में एक बच्चा होता है दो साल तीन साल का तो उसके पास में भी पापा का फोन होगा मम्मी का फोन होगा वो हो सकता है उसमें नर्सरी टाइम्स देख रहा है अब वो कितना सही है गलत है वो एक अलग डिस्कशन हो सकता है बट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो स्मार्टफोन इज वॉट अ कंप्यूटर तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि अडेप्टन बढ़ गया है और आज की डेट में जो यंग बच्चे हैं अगर आप देखोगे ओवरऑल तो उनके अंदर ज्यादा समझ आ गई है वो बड़े इजीली अपने कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं उनको दे दो आप कुछ भी डिवाइस तो वो समझ लेंगे मतलब मेन्यू कैसा है कहाँ पे क्या है तो ये तो डेफिनेटली बहुत तरीके से बढ़ी रहा है और इनफैक्ट ये जरूरी भी है क्योंकि आगे चल के मतलब देखो ना हमारी तो वो थी कि टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट फंस गई है तो उसको निकाल के उसको भी ठीक किया है वो वो पेंसिल से डाल के के घुमा मतलब वो सब चीज़ें करी हैं करते करते फिर फ्लॉपी आई फिर सी देखा फिर डीवीडी देखा फिर उसके बाद में मेमोरी कार्ड देखे और पेन ड्राइव देखे और करते करते आज हम स्ट्रीम कर रहे हैं स्पॉटीफाई पर लेकिन जो आज की जनरेशन है वो पैदा ही हुई है स्ट्रीमिंग और ए, -ए के बीच में तो आई थिंक बहुत जरूरी है और ओवरऑल जो लोग हैं ना वो उसको ज्यादा अच्छे से सीख भी पा रहे हैं आनंद ने आपके लिए भेजा एक टेक रैपिड फायर क्विज जिसमें चार सवाल हैं। रेडी hmm. पहला व्हाट्स द वन गैजेट यू नेवर लीव होम विदाउट मोबाइल फोन यार, ऑफ़ कोर्स <laughs>

और ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने स्टेयरिंग छोड़ रखा है और अपने आप गाड़ी वो लेन वेन में चल रही है वो तो बहुत बेसिक हो गया है मैं बैठा गाड़ी में ड्राइवर सीट पर कोई है ही नहीं मतलब ड्राइवर सीट खाली है प्रॉपर एक कार मतलब गूगल की वेमो कार के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बगले बैठा हूँ मैंने सीट बेल्ट लगाया मैंने वहाँ पे स्क्रीन पे किया गो और भैया कार चल रही है स्टेयरिंग घूम रहा है इंडिकेटर चल रहे हैं सब कुछ मतलब प्रॉपर जैसे कार चलती है वैसे कार चल रही है और गाड़ी में ड्राइवर है ही नहीं तो मैं मजाक कर रहा था कि मतलब जॉन सीना मेरा ड्राइवर है देख सो देख नहीं सकते तो ये रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया सैनफ्रांसिसको में मतलब उसका एक मैं पोस्ट करूँगा वीडियो बट बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था ये Lastly, if you could swap lives with any tech CEO for a day, who would it be? Elon Musk. और बाद में दुनिया हिला देंगे तरह तरह के रैंडम डिसीजन ले लेंगे इधर इसको खरीद दो उसको बेच दो इसको बंद बंद कर दो इसको ठीक कर दो तो आ जाएगा लकी पूछ रहे हैं, बेस्ट फोन अंडर 15 के यार 15000 हजार आपको फोन चाहिए मेरे ख्याल से CMF का जो फोन वन है अच्छा ओवरऑल पैकेज है और एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है उस प्राइस में Anshuman Kere, sir, you're doing a fabulous job and it helped millions. My question is I'm a doctor by profession and currently in my post graduation. I'm confused between MacBook and iPad Air for me. मुझे बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेश बनानी होती है और वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं मोस्टली प्लीज सजेस्ट ये देखो एक चीज में आपका एक्सपीरियंस मैक में बेटर हो सकता है मे बी टू क्रिएट बिकॉज आपके पास में एक प्रॉपर की वाला आपको एक्सपीरियंस मिलता है बट वो तो आप अटैच आई में भी कर सकते हो लेकिन ओवरऑल एज अ डॉक्टर मैं बोलूंगा कि आपके लिए आई पैड वुड बी अ मच मोर सुटेबल डिवाइस उसका रीजन क्या है ना कि जो आपकी अभी की रिक्वायरमेंट है वो तो आप ठीक है कर ही लोगे आईपैड में बट Uh, ये आपको ना एक अलग ऑप्शन देगा फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी इंटरेस्टिंग एप्स हैं तो वो आप आई पैड पर देख सकते हो एप्पल पेंसिल को आप यूज कर सकते हो ह्यूमन एनाटोमी हो गया मतलब यू नो ऑल दीज थिंग्स तो ये मैक के कंपेरिजन में आई पैड इज़ अ मच मोर वर्सेटाइल ऑप्शन फॉर यू ऑन द गो आप कैरी कर रहे हो आपके पास में सारी चीज़ें अपने हाथ में हैंडी पड़ी हैं लैपटॉप क्या है ना मतलब स्टिल आपने मैक भी लिया अगर तो इट इज़ स्टिल मतलब नॉट एज पोर्टेबल एज एन आई पैड आई पैड में आपने कुछ दिखाना है किसी और को कुछ शेयर करना है कुछ एनोटेट

और ये वीकली एवरेज है पिछले वीक का एवरेज है डेली स्क्रीन टाइम तो तीन घंटे बावन मिनट यहाँ पे है आईफोन में स्क्रीन टाइम मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बैटरी के अंदर ये रहा तो लास्ट टेन डेज का एवरेज है यहाँ पे एक घंटा सोलह मिनट आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी तो एक घंटा सोलह मिनट यहाँ तीन घंटा बावन मिनट यहाँ बट इसका ज्यादा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑन एवरेज का भी दो घंटे होगा तो दो और एक तीन घंटा चौबीस घंटे में मेरा लैपटॉप का ज्यादा निकलेगा बट uh, वो ओवरलैप हो जाएगा बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि फोन सामने है बट लैपटॉप खुला पड़ा हुआ है दिन भर अगर तो वो लैपटॉप का वैसे ही चलता रहता है उसका तो दस घंटे बारह घंटे पंद्रह घंटे पता नहीं कितना, बट एक्टिव यूज इतना नहीं होता है of course. का सवाल है आई एम अलेज स्टूडेंट इन यू एस एंड एम सर्चिंग अ डिवाइस फॉर माई स्टडी विच विल सैमसंग एस नाइन सीरीज टैबलेट विद एस पेन एंड की बोर्ड और सैमसंग गैलेक्सी बुक फोर प्रो थ्री सिक्सटी विद एस पेन प्लीज सजेस्ट मी विच वुड बी गुड फॉर माई स्टडीज इट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज पैटर्न योर लाइफ स्टाइल की कि आपको लगता है कि आपको फुल पी सी को रन करना है तो ऑफकोर्स एक लैपटॉप आपको लगता है कि आपका कैजुअल काम रहेगा अगेन डॉक्यूमेंट्स या वीडियो लेक्चर्स या प्रेजेंटेशन या वो सब तो एक टैब इज अ मच बेटर डिवाइस जो कि आपका एज एंटरटेनमेंट पार्टनर ही बन जाएगा तो डिपेंड्स ऑन योर लाइफ यार मतलब आपका यूजेज कैसा रहने वाला है दोनों डिवाइस अच्छे हैं बट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ नो यू इंटेंड टू यूज दम अनमोल कह रहे हैं हेलो गौरव भाई आई एम लिविंग इन डेनमार्क आई नीड टू अपग्रेड माई फोन शुड आई गो फॉर गूगल पिक्सल नाइन प्रो और वेट फॉर आई फोन सिक्सटीन प्रो सीरीज भाई डिपेंड करते हैं आप करंटली कौन सा फोन यूज कर रहे हो कि आप करंटली एंड्रॉड यूज कर रहे हो या आई फोन यूज कर रहे हो अगर एंड्रॉड यूज कर रहे हो तो आपको एंड्रॉइड ही चाहिए या फिर यू आर कंफर्टेबल स्विचिंग टू तो आई फोन या आपके पास में आई फोन है और फिर आप एंड्रॉइड की तरफ आना चाहते हो या मतलब डिपेंड्स ऑन योर सीनारियो बट मैं स्टिल बोलूंगा कि अभी ऑलरेडी आपको बताइए कि पिक्सल नाइन प्रो के अंदर क्या है लॉन्च हो चुका है अब और दो हफ्ते की बात है आईफोन का वेट कर लो

कि पिछली जनरेशन का जो प्रो मॉडल होता है ना वो नई जनरेशन के बेस से हमेशा बेटर होता है मतलब जैसे 13 प्रो, हमेशा हमेशा 14 14 से से बेटर बेटर होगा सेम 15 तो आपके पास में जनरेशन एक पिछली जरूर है आप दूसरा जो ऑप्शन ले रहे हो वो ले रहे हो नॉर्मल फोन का फिफ्टीन प्लस का मतलब ये एक बेसिक गणित है एप्पल का

because ने पिछले दो तीन साल से कुछ चेंज नहीं किया अपने नंबर सीरीज में परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सिमिलर रहने वाला है काइंड kind ऑफ of. लेकिन कैमरा में अपग्रेड्स हैं और GT सीरीज इज नॉट नोन फॉर कैमरा इट इज नोन मोर फॉर परफॉर्मेंस अगर आपको कैमरे का अच्छा चाहिए 25-30000 का बजट है तो uh, Realme 13 Pro Plus इज गुड ऑप्शन

जो एम सीरीज चिप है ना भाई मतलब ये एप्पल ने जादू किया हुआ है ट्रस्ट मी और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि एम वन वाले भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट सबको पता है कैसी होने वाली है तो अगर आप एक अभी नया मैकबुक एयर प्लान कर रहे हो और अगर आपको डिफरेंस मिल रहा है प्राइस में ऑफकोर्स मिलेगा तो एम एयर ले लो कोई कमी आपको महसूस नहीं होने वाली और मजे की बात फिजिकली अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स तो एक्जैक्टली exactly सेम है मतलब कोई देख के नहीं बता सकता कि ये M2 वाला चिप है या M3 वाला लैपटॉप है दोनों बिकॉज दिखने में एक्जैक्टली exactly सेम लगते हैं तो M2 टू एयर ले लो कोई दिक्कत नहीं है और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बजट है और आप खुल के एक्सपैंड कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो आप ले लो एम और फिर जो आपको लेना हो लेकिन मैं बोलूँगा कि एम लो और हाँ एक चीज़ कर सकते हो रैम जैसे आपको मिलेगी बेस बेस्ट में आठ तो आप सोलह रैम की तरफ जा सकते हो वो एक ऑप्शन ले लो M2 विद सिक्सटीन RAM बी इज मच बेटर देन M3 विद एट जी तो वो जो डिफरेंस है अगर आप रैम के अंदर पैसा लगा सकते हो तो लगा लो बिकॉज रैम आप बाद में चेंज नहीं कर सकते स्टोरेज भी आप चेंज नहीं कर सकते स्टोरेज का ऑप्शन होता है कि आपने एक लगा लिया मतलब यू नो पोर्टेबल तरीके से आप स्टोरेज का एक्सपेंड कर सकते हो बट रैम जो है आपके वैसे वही रहेगी और ये लैपटॉप ऐसे हैं जो बहुत लंबा चलते हैं तो आज नहीं हो सकता है दो साल बाद आपको लगे कि यार नहीं अगर सोलह जी रैम होता तो ज्यादा बढ़िया होता तो रैम में पैसा लगा दो बाकी एम टू चका कोई दिक्कत नहीं है तो गाइज ये थे सवालों के जवाब आई एम श्योर आपको मजा आया होगा मुझे काफी मजा आया आपसे बातचीत करते और मैं आपसे मिलने वाला हूँ अगले एपिसोड में अगर आपको दिमाग में सवाल है कि भाई सवाल पूछना है कैसे तो इट्स वेरी सिंपल जस्ट यूज द हैशटैग बोलो गुरुजी ट्विटर पे जाकर ट्वीट कर सकते हो नीचे कमेंट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो एपिसोड का जहाँ पे दोबारा से मिलूंगा आपसे बातचीत करता हुआ आपके सवाल का जवाब देता हुआ फ्लाडो में इतना ही जय हिंद वंदे मातरम